सो हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजन आपके अपने चैनल ऑल न्यू कबूतर टिप्स एंड ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूँ। सो गाइस, तो आज हम आए हैं डिंपल भाई की छत पर और आप लोगों ने इनको भी यूट्यूब पर देखा ही है, इनका भी एक चैनल है छोटा मोटा, भाई का भी मेहनत करते हैं बहुत, हमारी तरह तो नहीं है बट बहुत अच्छा चल रहा है, भाई भी आगे से मेहनत कर ही रहे हैं। ठीक है, तो भाई का एक बार इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। भाई आप अपने बारे में कुछ बताएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भाई के चैनल पर। और मेरा चैनल है डिंपल कुमार दिल्ली, जो पिजन लवर के नाम से मैंने डाल रखा है। और काफ़ी मेहनत करने के बाद भी आज मैं थोड़ा सा पहुंचा हूं वहां तक। और हम भी जो है भाई की तरह ही काफ़ी सारे जो कबूतरों के ऊपर जो शौक है उनके वो दिखाते हैं, उनकी बीमारियों के बारे में इलाज बताते हैं, उनका रखरखाव जो लॉफ्ट के अंदर हम जो भी तरीके से होना चाहिए उस चीज़ के बारे में जानकारी देते हैं कि कोई भी अगर नया कबूतरबाज या जो नया कबूतर लवर है वो अगर कबूतर पालता तो उसको कोई भी दिक्कत ना आए। तो इस चीज़ के लिए हम अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो टाइम टू टाइम डालते रहते हैं। और अभी भाई मेरी छत पर आए हैं, कभी मैं भी इनकी छत पर जाऊंगा तो वहाँ पर मैं भी वीडियो बनाऊंगा, तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना भाई के साथ ही। तो भाई कोई नहीं, भाई का जो शौक है आज हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं, तो वीडियो शुरू से एंड तक देखना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, मेरा भी कर देना, भाई का भी कर देना। ठीक है भाई, तो कोई नहीं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई अभी फिलहाल हम भाई के जो लॉफ्ट है, जैसे कि देख सकते हो आप लोग वीडियो में, काफ़ी प्यारा लॉफ्ट है। ठीक है, तो भाई ने जो ये वेंटिलेशन के लिए काफ़ी गत्ते वगैरह ये कंबल वगैरह लटका रखे, तो भाई से पूछते हैं कि मतलब कैसे कैसे क्या कर रखा है लॉफ्ट के, जिससे कि आपके कबूतर भी सुरक्षित है, जैसे भाई के कबूतर कुछ जैन मैन है। ठीक है भाई, कुछ बताएं इसके बारे में। तो दोस्तों अभी जैसे आपने देखा होगा कि सर्दियों में जब आपको सर्दी लगती है तो आप कंबल का इस्तेमाल करते हैं घर के अंदर, और जो भी खिड़की और पंखे जो है बंद करके सोते हैं। ठीक है, उसी तरह से हमें भी कबूतरों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये छत पर है, छत पर डायरेक्ट जो है ठंड पड़ती है। तो उसके लिए हमने क्या करा था कि यहाँ पर ही गत्ते लगा रखे थे। गत्ते का काम क्या था कि गत्ते जो है ना, बाहर से अगर ठंडा भी है ना तो अंदर ये गर्म ही रखेगा लॉफ्ट के अंदर। मगर इतना हिस्सा मैंने इसलिए काट दिया था क्योंकि अंदर जो है ना कबूतरों के अंदर काफ़ी गर्मी होती है, तो गर्मी भी निकल जाए और जो गैस बनती है वो भी निकलती रहे, इसलिए मैंने वेंटिलेशन के लिए ये चीज़ काट दी थी। उसके बाद अगर आप अंदर लॉफ्ट देखें, कबूतर पहले जाने लगते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि लॉक के बाद जो मैंने जो इसकी हाइट रखी थी ना, वो 5 फुट 5 इंच है। ठीक है, ठीक है। और ये जो मैंने पतवार से बनाई थी, इससे क्या होता है कि अगर जैसे कई बार हम कबूतर पालते हैं ना, तो स्टार्टिंग के टाइम में हम सोचते हैं सस्ते से हल्का जुगाड़ कर दे। उसमें दिक्कत क्या आती है कि जब कोई आपका अच्छा कबूतर लड़ता हुआ कबूतर एकदम जो उसकी टांग खराब हो जाए या पर खराब हो जाए, तब दुख होता है कि हमने क्यों नहीं किया। तो इसलिए मैंने इस चीज़ को पहले ही मजबूत बना लिया था। उसके बाद जो व्हाइट वॉश मैंने करा के चूने और बाल पुट्टी से मैंने इसको बिल्कुल कवर कर दिया था, ताकि इसमें कबूतर चोंच ना मारे, क्योंकि सीमेंट खाते हैं। हाँ। कबूतर कोई दिक्कत नहीं है, वो डाइजेस्ट कर जाएगा, लेकिन जो सीमेंट खाते हैं ना वो दिक्कत आती है। इस तरीके से सारा मैंने बना रखा था भाई, बहुत ही प्यारा, जैसे कि देख सकते हो हर गोले बात क्या आपने देखा होगा, भाई ने भी वैसे ही बना रखा है, क्योंकि ये बहुत ही सुरक्षित और बहुत ही सेफफुली है। ठीक है, इसमें क्या कबूतर जब नीचे दाना खाता है ना, दाना खाने का जब ऊपर बैठेगा तो उसके पर नहीं टकराते, वो प्रॉपर तरीके से अपना एक खाने में एक कबूतर अपना सुरक्षित बैठ जाता है बिल्कुल चुपचाप। आप भी बनवाए, बाकी हमारे रंजन भाई भी जल्दी बनवाएंगे इसको। बस भाई अभी लाएंगे कुछ, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे इसके अंदर मैंने पट्टे रख रखे हैं। अच्छा, इसमें पट्टे हैं भाई के नए, अभी नए पट्टे हैं तो अभी उनको खोलेंगे बाद में। और इसके अंदर हमारे जोड़े वाले हैं। तो भाई आप जैसे कि देख सकते हो काफ़ी प्यारा, मतलब आप लोगों को वीडियो में दिखता होगा, मैं भी वीडियो देखता था भाई की, काफ़ी अलग चीज़ है भाई वीडियो में और सामने आकर, तो बहुत ही प्यारा मतलब सेटअप बना रखा है रियली में, हमें तो बहुत ही अच्छा लगा। कंबल है ये, हाँ हाँ, रात को ढक के जाते हैं भाई। फोग होती है ना, वो ज़्यादा आती है, फोग से कबूतर को दिक्कत आती है। जंगली कबूतर जो होते हैं ना वो बाहर रह सकते हैं, क्योंकि वो जैसे ही मतलब फोग आती है ना तो खुला एरिया होता है, तो खुले एरिया के अंदर ना वो एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन जब बंद में यानी गर्माहट के अंदर एकदम फोग पड़ेगी तो कबूतर हमेशा लकवे में और बीमारी में आता है। तो कोई नहीं भाई, अब बाकी भाई का लॉफ्ट आउट के बारे में बता दिया हमने, तो अब भाई का कुछ शौक दिखाते हैं आप लोगों को। ठीक है, तो वीडियो में बने रहना शुरू से एंड तक। तो चलिए गाइस, वीडियो को अब शौक की तरफ ले जाते थोड़ा। ठीक है, तो भाई अभी हम आपको कबूतर थोड़े उड़ा के दिखाते हैं उठाकर। तो चलिए गाइस, भाई उड़ा दो। ठीक है, ये देखो गाइस, भाई ने कबूतर उड़ा दिए हैं। ओके, और कितने कबूतर उड़े हैं डिंपल भाई? ये 70 के आसपास कबूतर है भाई ये, और ये देख सकते हो भाई। ठीक है गाइस, बताना जरूर कमेंट्स करके कैसे लगे आपको भाई के कबूतर। ओके, तो आज भाई की छत पर आए थे तो भाई का शौक दिखा रहे हैं, ये देख सकते हो। और काफ़ी सारी छतें यहाँ पर उड़ती हैं, जैसे कि देख सकते हो ये रही एक छत डिंपल भाई की, कबूतर ये रहे। ठीक है, और यहाँ पर भी छतें हैं। अच्छा हाँ, और फाइनली गाइस लड़ाई हो चुकी है। ठीक है, बच गए, चलो सही है।
वहाँ पर किसी से जाके लड़ चुके हैं, ये देख सकते हो, और डिंपल भाई को ठीक है। और यहाँ पर आवाज़ लगाई भाई ने, ये देखो भाई उतर गए सारे के उतर। तो देख सकते हो भाई पहली हवा उड़ के आ चुके हैं, बहुत ही जेन्युइन भाई। ये देखो गाइस, चेक करें एक बार कबूतर आप सर, और कमेंट्स करके बताना जरूर आपको कबूतर कौन कौन सर कैसे कैसे लगे, ठीक है। तो गाइस अभी आपको हम बीच बीच में सिनेमैट्रिक शॉट्स भी दिखाते रहेंगे, तो गाइस सिनेमैट्रिक शॉट्स के ही मजे लेना आप लोग। ये देखो गाइस, तो भाइयों यहाँ पर हमारे डिंपल भाई ने फिर से कबूतरों को उड़ा दिया है जैसा कि आप देख सकते हो। और गाइस ये जो हम वीडियोस बना रहे हैं ये फाइनली आप लोगों के लिए बना रहे हैं, ताकि आप लोग हमारा शौक और जो हमारे जितने भाई हैं उनका शौक मैं आपको दिखा सकूं। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और एक हमारे डिंपल भाई का भी चैनल है पिजन लवर के नाम से, तो प्लीज़ जाकर उनको भी सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिनके ये कबूतर हैं वो भी यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाते हैं। तो वीडियो पूरा देखना, मज़ा बहुत आएगा वीडियो। तो भाई आप लोगों ने कुछ सिनेमैट्रिक शॉट देखे थे, आई होप कि आप लोगों को अच्छे लगे होंगे, ठीक है। और कमेंट्स करके बताना जरूर हमारे डिंपल भाई के कबूतर लगे कैसे ये सारे, ठीक है। 70 के आसपास कबूतर है और अभी सारे घूम रहे हैं, क्योंकि गाइस इनके बंद होने का टाइम है। ओके, वैसे ही हम थोड़ा लेट हो गए थे आने में, बाकी मौका मिला तो भाई के दौड़ की वीडियो भी जल्दी बनाएंगे। ओके, बाकी अब कबूतर चेक करें एक बार और, ये देखिए गाइस ये जंगला कितना प्यारा लग रहा है, ये देख सकते हो भाई क्या गुटकी है कबूतरों की, बहुत जैनमन भाई। ये देखो मतलब फुल मस्ती में रख रखे हैं हमारे डिंपल भाई ने कबूतरों को, ये देखो यहाँ पर भी घूम रहे हैं सारे, ठीक है। और कुछ कबूतर अपने यहाँ बैठे हुए हैं, ये लो भाई देखो कबूतर यहाँ पर आ गए हैं, क्योंकि भाई इनको अब थोड़ा दाना वाना दे रहे चिकना वगैरह, ठीक है। और आप कबूतर चेक करें और बताएं कि कबूतर आपको लग कैसे रहे हैं, ठीक है। ये देखिए गाइस, वाह जी वाह, बहुत अच्छे गोले कबूतरों की बात ही निराली है भाई। We'll be right back.
तो भाई अब भाई कबूतर बंद करने जा रहे हैं जैसे कि देख सकते हो। तो आई होप कि आप लोगों को मज़ा आया होगा, ठीक है। काफ़ी प्यारे शॉट लिए थे मैंने और शौक भी बहुत प्यारा रखा भाई ने अपने। ये देख सकते हो सारे कबूतर अंदर चले गए हैं, देखो, ठीक है। और यहाँ पर कुछ जोड़े वाले रख रखे हैं भाई ने और ये कुछ घर के पट्टे हैं और सारे कबूतरों को दाना पूरा कर दिया है। तो भाई को भी कहीं जाना है, बाकी हम भी भाई से अलविदा लेते ही हैं, ठीक है। अभी मैं खुद जा रहा हूँ लाल किले, वहाँ जाके वीडियो बनाते हैं भाई। अभी लाल किला जा रहे हैं भाई, ठीक है, ठीक है। तो वहाँ पर जाके जो भी होगा शूट करेंगे और जो भी आपको अच्छा लगे तो लाइक करते रहें। तो भाइयों मैंने डिंपल भाई के कबूतर आप लोगों को दिखा दिए हैं, तो आई होप कि आप लोगों को मज़ा आया होगा। तो भाई बताना ज़रूर भाई के कबूतर कैसे लगे, हमें तो बहुत ही प्यारे लगे हैं, ठीक है। और काफ़ी हम लेट भी हो गए थे आने में, इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो गया कबूतर, क्योंकि अब टाइम हो चुका है बंद करने का, तो ज़्यादा शॉट तो नहीं दिखा पाए उड़ाने का। बट गाइस सिनेमैटिक शॉट मैंने बहुत ही जेन्युइन लिए हैं, ठीक है। तो डिंपल भाई आप कुछ बोलना चाहोगे? बस भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, जो इसकी मेहनत है उस मेहनत का जो फल अगर मिलेगा, और आपके जो हर लाइक पर ना इसका मोटिवेशन होता है, हाँ, आगे की वीडियो बनाने का मन भी करता है। बस, तो बस। उसी तरह से भाई मुझे भी थोड़ा सपोर्ट करें भाई के चैनल, हाँ, भाई को भी सपोर्ट करना भाई, ठीक है। बाकी जो है चैनल का जो है नाम है मेरा वो भाई आपको बताई देंगे। हाँ भाई का चैनल का नाम है भाई पिजन लवर, ठीक है, डिंपल कुमार पिजन लवर के नाम से। तो भाई भाई को सपोर्ट करना, ठीक है। हमारी भी जल्दी 1 लाख होने वाले हैं, भाई के भी 20-22 हज़ार हैं सब्सक्राइबर, हो जाएंगे। हाँ धीरे धीरे भाई की मतलब बूंद बूंद तालाब भरता है भाई, वैसी बात है, ठीक है। तो भाई को भी सपोर्ट करना। तो इस वीडियो से अलविदा लेना चाहते हैं, ठीक है। मिलेंगे ऐसे एक रोमांचक और अच्छे से वीडियो के साथ। तो बाय बाय, नमस्कार।